नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक जातीय हिंसा सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो धार्मिक हिंसा से ज़्यादा अब जातीय हिंसा चरम पर है और देखा गया है कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग विक्टी में आखिर कब तक मार खाते रहेंगे मैं इस देश के शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट ओबीसी और माइनॉरिटी से कह रहा हूं कि आप लोग जब तक जातीय हिंसा से अलग नहीं होंगे जातीय हिंसा के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक आप इस देश में न सीएम बन पाएंगे न पीएम बन पाएंगे न एसपी बन पाएंगे न डीएम बन पाएंगे आप तब तक लाचार बेबस रहेंगे और जातीय हिंसा में सबसे बड़े जो लाभार्थी हैं वो इस देश के मनुवादी हैं जो आप पर राज करते रहेंगे इसलिए आप जातीय हिंसा से निकलिए और मैं ओबीसी के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप धार्मिक हिंसा और जातीय हिंसा में बिल्कुल शामिल मत होइए क्योंकि जो आपको लग रहा है कि आपका आप धर्म बचा रहे हैं तो आप जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि जातीय हिंसा करके आप बच जाएंगे तो आप जेल जाएंगे लेकिन वो लोग जो मनुवादी हैं जिनका कोर्ट कचहरी अखबार टी मीडिया पर कब्जा है जो अजय मिश्रा जैसे लोग हैं जो तीन तीन सौ एकड़ जमीन लिखवा लेते हैं जिनका बेटा छे छे लोगों को रौन देता है वो इस तरह के जातीय हिंसा करके भी हत्या करके भी बच जाएगा तो ये तमाम खबरें बताऊंगा जो कल पांच जवान शहीद हुए हैं उस पर अभी तक सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा उस सबके परिवार के लोग किसान आंदोलन में हैं एक तस्वीर सामने आ रही जो जवान शहीद हुआ है वो अपनी शादी के दिन किसानों का झंडा लिए हुए था तो इस पर बात करेंगे एक एक अरुण मिश्रा नाम का जज हुआ इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जो अब एनएचआरसी का अध्यक्ष है वो कैसे मोदी और अमित शाह की तारीफ करता है आप समझ सकते हैं कि इसके तीन रिश्तेदार जज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं देना होता है इसको कहते हैं बाप जज बेटा जज दादा जज बताइए एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के हक अधिकार की जो लड़ाइयाँ हैं जो कानून हैं उसके पक्ष में कैसे फैसला आएगा ख़ासकर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो आप कल्पना कर सकते हैं बाकी आप लोग को सोचना है कि आपकी लड़ाई कहाँ है और कहाँ चल रही है सबसे बड़ी लड़ाई जुडिशियरी की है तो सारी खबरें एक एक करके बताऊंगा जो आज मैंने तय किया आपको बताना और उसका विश्लेषण भी, भी ये अशोक गहलोत के के की तस्वीरें हैं अशोक गहलोत के राज्य जो जहाँ कांग्रेस है भले का जलौर का ये वीडियो है स्क्रीन दिखा सकते हैं तस्वीरें नहीं दिखा सकते जालौर में शेड्यूल कास्ट के क्यूबा की पिटाई हो रही है यहाँ प्रियंका गांधी राहुल गांधी को जाना चाहिए बोलना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए यह तस्वीर देखिए लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी को जाने दिया जाता है लेकिन जयंत चौधरी को नहीं जाने दिया जाता है जो किसान का बेटा है आप खेल समझ सकते हैं कि क्या कोशिश हो रही है दरअसल जयंत चौधरी और सपा गठबंधन में है उनको नहीं जाने दिया जाएगा लेकिन प्रियंका जाएंगी बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को कुछ मुसलमानों का वोट मिले और कुछ वोट बर्बाद हो इसीलिए इसीलिए लगातार कोशिश हो रही कि वहाँ प्रियंका को हाईजैक किया जाए और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है चीन जो है वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है मेरा छप्पन लाल आंख क्यों नहीं दिखा देते चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं तो ये है देश की हालत और उससे भी बड़ा खेल बता रहा हूँ सबसे बड़ी खबर जो आपको कोई नहीं बताएगा गजब खेल है देश के पंद्रह हजार करोड़ रुपए लूटकर नितिन संदेशरा और उनके भाई विदेश भाग गए सरकार का काम होता है भगोरों को वापस लाना लेकिन यहाँ तो दूसरा ही खेल चल रहा है सरकार भगोरे भाइयों से कच्चा तेल खरीद रही है सोचिए पंद्रह सौ सो करोड़ रुपया लेके देश का एक गुजराती बिजनेसमैन चंदेसरा भाग जाता है नितिन संदेशरा और अब भारत सरकार उससे तेल खरीद रही है सोचिए आप लोग की क्या हालत हो गई है अट्ठारह हजार करोड़ के मतलब अरबों करोड़ की संपत्ति सत्ताईस सौ करोड़ में टाटा को बेच दिया गया दरअसल एयर इंडिया जो है वो घाटे में था तो आधा घाटा सरकार देगी 18000 हजार करोड़ में सौदा हुआ सत्ताइस सौ करोड़ रुपया देकर टाटा ने खरीद लिया अब उसकी सारी संपत्ति टाटा की हो जाएगी वो संपत्ति जमीने ही अरबों खरबों की है ये क्या चल रहा है ड्रामा आप नहीं समझ पाएंगे एस सी की तो सिर्फ नौकरी जाएगी सारे संपत्ति को पांच कंपनियों चार चुनिंदा अंबानी अडानी और टाटा को देने की कोशिश हो रही है और ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री ये जो पांच कल शहीद हुए ना इन्हीं सब के माता पिता चाचा ताऊ, भाई बहन जो हैं वो बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सोचिए कोयला की कोयला का पूरा देखिए मनमोहन सिंह की सरकार थी विनोद राय सी का हेड था उसने एक झूठी खबर फैलाई कि कोयला घोटाला हुआ है टू घोटाला हुआ है ये झूठी खबर थी दलित दलित मंत्री ए राजा को जेल जाना पड़ा करना कनी को जेल में डाल दिया गया न कोयला घोटाला हुआ न टू घोटाला हुआ टू घोटाला इसलिए कहा गया क्योंकि सारी कंपनी उस समय एयरसेल तमाम कंपनियां को लाइसेंस मिला और फोन करना सस्ता हो गया था इंटरनेट सस्ता हो गया था अब सब कुछ अडानी के अंबानी के हाथ में सिर्फ जियो 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 एक दिन में सरकार के इशारे पर पूरे देश में नेट ठप कर दिया जाएगा डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया सब ठप सरकार आपको एक दूसरे से बात ही नहीं करने देगी आप अपनी खबरें कैसे पहुंचाएंगे तो ये, ये प्लान में हुआ वहीं वही कोयला घोटाला कांग्रेस की सरकार ने कई कंपनियों को खदान दिए ताकि मोनोपोली ना रहे अब सरकार ने अंबानी अडानी माफ कीजिएगा अडानी और टाटा को दे दिया है और पूरे देश में कोयले की किल्लत दिखाई जा रही है हो रही है बिजलियों के दाम बढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा जो लोग नहीं समझ पा रहे ये सब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है पांच लोगों का ये देश पर कब्जा होगा और तब मोदी जी राज करेंगे और आप सिर्फ ग़ुलाम होंगे सिर्फ और सिर्फ ग़ुलाम इंटरनेट पर सबसे पहले मीडिया पर कब्ज़ा जो उनका है उसके बाद इंटरनेट पर कब्ज़ा सोशल मीडिया बंद हो जाएगा आपका ट्विटर फेसबुक सब बंद हो जाएगा उसके बाद और ये वो शख्स जवान हैं जो शहीद हुए थे तो और अपनी शादी में देखिए किस तरह से वो झंडा लेके जा रहे हैं और जिला गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई अति अत्यंत दुखद है मायावती ने ट्वीट किया है सोचिए जिला गौतम बुद्ध नगर में और ये देखिए तो बार बार कह रहा हूँ बीजेपी के पसंदीदा जज दिलीप मंडल ने लिखा है जो मोदी जी की तारीख अभी एन एच का है बीजेपी के पसंदीदा जज अरुण मिश्रा के डैडी हरगोविंद मिश्रा जज थे अब भाई विशाल हाईकोर्ट का जज बन गया सब बिना परीक्षा दिए एक कैसा रिजर्वेशन अरुण मिश्रा ने चुन चुन कर एस सी एस ओबीसी विरोधी फैसले दिए लालू प्रसाद को नए सिरे से जेल में डालने के लिए फैसला दिया यही अरुण मिश्रा है आपको अब भी जुडिशियरी पर आपको भरोसा है ये बनाना रिपब्लिक बना दिया है इन लोगों ने मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को स पहले ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए अब कोयले का इंतजाम नहीं कर पाए समझ नहीं है फिर अट्ठारह घंटे दफ्तर में क्या करते हैं तो आप समझिए कि आपको क्या होने वाला है चलो भाई यूपीएससी वाले ये लो आ गया लेटरल एंट्री अर्थात चोर दरवाजा है इकतीस आई की भर्ती की गई है सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर बिना परीक्षा के चंद्रशेखर आजाद गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ दरिंदों ने हथियार के बल पर गैंगरेप किया और फिर जाति सूचक गालियां दी ये ये चंद्रशेखर रावान ने भी ट्वीट किया है दरिंदों को कानून का कोई भय नहीं है यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुका है दलितों की जिंदगी हर पल मौत के मुहाने पर खड़ी है निकम्मी सरकार तमाशबीन बैठी है आखिर ये लोग जाते क्यों नहीं है ये सबसे बड़ा सवाल है और मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं खाद नहीं बिजली नहीं कृषि मंत्री कैटवॉक कर रहे हैं सोचिए देखिए जब किसान लड़ रहे हैं तो बिजली मंत्री जो है रैप पर कैटवॉक कर रहे हैं और हरियाणा के छात्र गांव में जाटों ने दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया आरोप है कि एक दलित शख्स के साथ मारपीट के बाद एस एस सी एक्ट में दर्ज हुए मामले के बाद यह फैसला हुआ, हुआ। वही करिया करनाल में करनाल में वाल्मीकि समाज के दो लोगों को कुचल दिया गया कार से दरअसल एक शख्स था जो रोज तेज कार चलाता था वहां उन लोगों ने कहा कि मेरे मोहल्ले में आते समय थोड़ा कार धीरे कर लो कोई बच्चा चपेट में आ जाएगा तो दो बाल्मीकि मार दिया गया है करनाल से खबर है मैं बाकी अपडेट मंगवाने की कोशिश कर रहा हूं और जेबर में दलित महिला से गैंग रेप हुआ है खुद देखिए पीयूष के प्रधान ने ट्वीट किया है और पंखुरी पाठक वहां जा रही हैं तो मैं कह रहा हूं लगातार जातीय हिंसा अपने चरम पर है और राजनाथ सिंह जी के साथ ये वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सलमान हुसैनी नदवी हैं जो पिछले दिनों तो देखिए अशराफ मुसलमान जो है वो लगातार बीजेपी के कनेक्शन में हैं कि तुलना स्वर का मांस खाने से कर रहा था पसमानदा भाइयों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अशराफ ही हमारे असल शत्रु हैं तो मुसलमानों में भी जाति को लेकर डिस्कोर्स शुरू हो गया मोदी सरकार ने बाजरे की फसल का एम एस तय किया है हरियाणा में सिर्फ ग्यारह सौ में किसान बेचने को मजबूर है और आजकल ट्विटर पर अमित शाह का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इंटरव्यू वो रसगुल्ले जैसे सवाल गोलगप्पे जैसे जवाब अजीत अंजुम ने लिखा है रामराज में दलितों का संहार ग्रेटर नोएडा के कानपुर गांव में बाबा साहब की एक मीटिंग करने पर धारधार हथियार से पीड़ितों पर हमला किया गया है तो ये सारी बड़ी खबरें आज की थी आप सोचिए कि किस तरह से आपके हक अधिकार को छीना जा रहा है और जब भारत सरकार पचासी सौ करोड़ प्रति एक प्रति एक के रेट से खरीदती है एयर इंडिया के एक जहाज अठारह हजार करोड़ में किस रेट से बेचे गए होंगे सोचिए आठ हजार पाँच सौ करोड़ प्रति जहाज खरीदा जाता है और एक सौ बत्तीस जहाज जो है वो अट्ठारह सौ करोड़ में बेच दिया गया नरीमन पॉइंट वाली बहुमंजली इमारत की क्या कीमत लगाई गई होगी और बहुत सी चीजें खैर जब एयर इंडिया के पैंतालीस हजार करोड़ का कर्ज सूद समेत आजीवन हमारी जेब से ही भरा जाना है तो सिर्फ अट्ठारह करोड़ के लिए क्यों बिक रहे बिके जा रहे हैं एयर इंडिया का प्रॉफिट मेकिंग एसेट सिर्फ अट्ठारह हजार करोड़ में टाटा को और लॉस मेकिंग लाइबिलिटी पैंतालीस हजार करोड़ जनता के मत थे सोचिए जो नुकसान है पैंतालीस हजार करोड़ वो सरकार टैक्स से देगी और जहां फायदा होगा वो सब टाटा को दिया जा रहा है ये क्या चल रहा है इस देश में और आपको कोई नहीं बताएगा आपको कोई नहीं बताएगा इस तरह की खबरें आप सोचिए कि किस तरह से इस देश को सड़क पर लाया जा रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं तो इतनी आसानी से तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना साम्राज्य नहीं खड़ा किया होगा जिस तरह से देश में अंबानी और अडानी को सुपुर्द किया जा रहा है तो ये तमाम खबरें दिखा रहा हूँ मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और वो तमाम बड़ी पाँच सौ रुपये वाला एम आर आई सी टी स्कैन जब पचास रुपये में गुरुद्वारा में साहिब कर सकता है तो अन्य हिंदू मंदिर क्यों नहीं करते जहाँ करोड़ों रुपये आते हैं तो ये तमाम खबरें हैं और सोचिए पेट्रोल गैस बिजली सबकी महंगाई पर टेलीविजन में कोई चर्चा नहीं मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश के संविधान लोकतंत्र और आम जनता का कोई दुश्मन है तो वो टीवी अखबार है वो जो दिखा रहा है वो खबर नहीं प्रचार है आप लोग की क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं निशल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।